नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं तिलक नगर के अंदर और हम हैं एपीआई पार्टी के ऑफिस पे और यहाँ के दिल्ली के अध्यक्ष हैं भीम सिंह जी। भीम सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय भीम सर। भीम सिंह जी, ये बताइए एपीआई पार्टी का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो वो बताइए। अम्बेडकराइज पार्टी ऑफ इंडिया। जी, इस पार्टी को बनाने का क्या मेन उद्देश्य है वो भी बताएं। इस पार्टी को बनाने का हमारा मेन मकसद है, जो बाबा साहब अंबेडकर इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, एपीआई के माध्यम से हम वही बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं। इस भारतवर्ष को हम प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, ये एपीआई का मेन उद्देश्य है। जी। आज बहुत सारी पार्टियां इस पूरे भारत में हैं, तो क्या लगता है कि ये पार्टी भी उसी मूल उद्देश्यों पर काम कर पाएगी जो ये रणनीति लेके उतरी है? ये अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया एक यूनिक पार्टी है जी, जो मानवतावाद, संविधानवाद और मतलब ऐसे बहुत सारे एजेंडे हमारे पास है पॉलिसी के अंदर। आपने पहले भी देखा था डॉक्यूमेंट्री और पॉलिसी के अंदर, श्रीमान विजय मानकर जी ने जो काम कर रहे हैं बिना विधायक होते हुए, ना तो विधायक है हमारे पास में ना सांसद है। उसके बाद में भी 16 बिल हमने गवर्नमेंट को दिए, केंद्र सरकार को दिए, जिसके ऊपर काम चल रहा है। मैं पहले भी अपनी बात में कह चुका हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो 20% आरक्षण की जो बात है वो श्रीमान विजय मानकर जी से के द्वारा ही लागू हुई है। और अभी बहुत सारे ऐसे प्लान हमारे पास में हैं जो लोगों के पास में नहीं है, क्योंकि इसलिए हम बार बार कहते हैं हमारी पार्टी यूनिक पार्टी है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनिक सेंस क्या होता है, मतलब दुनिया की एक अलग पार्टी है। हमारे पास में एक ऐसा लीडर है जो दुनिया को चला सकता है, मतलब भारत को चला सकते हैं, भारत की पॉलिसी को चला सकते हैं, भारत की जितनी जो दिक्कतें आ रही है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास एक लीडर है। और हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे पास में श्रीमान विजय मानकर जैसे एक लीडर है हमारे पास। तो ये जो भीम जी एक बात बताइए, ये जो पार्टी है ये कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ेगी, 2019 में इलेक्शन लड़ेगी, अभी रणनीति तैयार करेगी या अभी ग्राउंड लेवल पे काम करेगी वो बताएं। 2019 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, संसद का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उस पर एपीआई के माध्यम से हम 200 सीटों पर जो ना अपना फाइट करेंगे जो ना लोकसभा का इलेक्शन जो ना ऐसा जो ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मांकर जी ने बोला था कि हम 200 सीटों पर जो ना 101% जो ना गारंटी से जो ना इलेक्शन फाइट करेंगे 20 स्टेट्स में जी। आप अभी इलेक्शन हुए थे राजस्थान के अंदर, आपने बताया कि वहां पर भी एपीआई पार्टी ने फाइट करी है नहीं करी है वो बताएं, और कितनी सीटों में विजय करने की कोशिश में है वो भी बताएं। हाँ बिल्कुल, हमने सोचा था शुरू में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के 200 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, उसके बाद में स्थिति देख के हमने कहा कि 125 के आसपास चुनाव लड़ाएंगे। हमारे 60-70 के आसपास में फॉर्म भी हमारे सबमिट हो गए थे, हमारे कैंडिडेट बिल्कुल तैयार थे, किसी के कारण तो हमारी जो सीट है 30 प्लस में रही है, 30 से ज्यादा सीटों पे हमने चुनाव लड़ा है, मतलब 30 इसलिए। आपने बहुत सारा अनुभव है, आपको आप बुजुर्ग अवस्था में भी हैं, आपने बहुत सारी पार्टियों को आते और जाते देखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एपीआई पार्टी है बहुजन समाज के मेन उद्देश्यों पर कार्यरत हो पाएगी? एपीआई पार्टी देश की सभी जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों से ये जो बहुजन मूल निवासी पार्टियों की ये पार्टी है, इस पार्टी का उद्देश्य चाहे वो जो भी पार्टियां हैं देश में उनसे सबसे भिन्न है, और ये देश में आर्थिक सुधारों का रास्ता खोलना चाहती है, शैक्षिक सुधारों को ये इक्वलिटी में लाना चाहती है, और ये देश के अंदर भूमि का बंटवारा चाहती है, ये देश के अंदर इक्वलिटी चाहती है, देश के अंदर मानवतावाद चाहती है, समताशील विचारधारा की पार्टी है ये वो चाहती है। इस देश में जिन लोगों ने समाजवाद का नारा दिया वो बर्बादवाद की ओर चले गए, वो हमारे सामने बहुत सारी पार्टियाँ मिट गई हैं, इसलिए एपीआई पार्टी का एक वर्तमान में एक भविष्य है, क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, इसलिए मैं कहता हूँ ये एपीआई पार्टी सारी पार्टियों से भिन्न है और ये भविष्य की पार्टी है, ये विकास की ओर जाएगी और देश का बहुजनों का विकास होगा, इतना मेरा कहना है। हमारे साथ वकील साहब भी हैं, वकील साहब सुप्रीम कोर्ट से हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, आप सारी चीज़ पे एनालाइजिस करते हैं, तो आपको क्या लगता है जिसके घोषणा पत्र इतने स्ट्रांग होते हैं, जैसे मोदी के बहुत सारे वादे थे तो वो भी पूरे हो पाए नहीं हो पाए वो सारी जनता जानती है, तो आपको क्या लगता है एपीआई पार्टी अपने घोषणा पत्र में वो भरेगी और क्या कर पाएगी वो काम? बिल्कुल 100% जो भी घोषणा पत्र में लिखा हुआ है वो 100% पूरा होगा जी। और क्योंकि ये पार्टी संविधान को मानने वाली है, संविधान पर चलने वाली है, इसलिए ये पार्टी 100% सफल होगी, 100% सफल होगी जी। मैं सुरेंद्र सिंह गौतम, एपीआई जो है तिलक नगर के अंदर इनका कार्यालय है, आज यहाँ पे 50 से 100 लोग उपस्थित हैं और इनके कार्य और इनके जोश देखते ही बनते हैं कि लगता है कहीं ना कहीं एपीआई पार्टी बहुजन समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर पाएगी। हमारे चैनल से बात करने के लिए भीम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी भीम, धन्यवाद।